गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था एक्सरसाइज 2.1 का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेमल्स। जो नीचे दिया हुआ जितने भी फॉलोइंग यानी जो पॉलिनेमल्स दिया हुआ पॉलिनेमल्स है, उनका हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डिग्री लिखना है। डिग्री हमें पता है कि डिग्री हम किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री कहाँ पे होता है, पॉलिनोमियल्स में जो एस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक होल नंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x की क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इसका जो हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा 3 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन द DEGREE डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 3 है, क्योंकि 5x की क्यूब है, 5x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 3x। तो इसका यानी जो हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा 3 है, इसलिए हम इसका डिग्री क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि डिग्री हम किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को। अगर ये टर्म हमारे पास नहीं होता है तो उस टाइम हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि 4 - y² स्क्वायर है। तो जो इसमें जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा 2 है, एक्स के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो सॉल्यूशन द DEGREE डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल POLYNOMIAL पॉलिनोमियल इज 2, क्योंकि इस वेरिएबल का जो पावर क्या है, 2 है, इसलिए 2 क्या है, हमारा हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा है, 5t माइनस अंडर रूट 7 है। 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 की यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन द DEGREE डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल POLYNOMIAL पॉलिनोमियल इज 1। जब किसी वेरिएबल की यानी कोई भी पावर नहीं होता है, उस टाइम हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका जो पावर क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यानी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, A to Z के बीच में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन द डिग्री ऑफ POLYNOMIAL पॉलिनोमियल इज 0। 0 हम इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इसका कोई भी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसका डिग्री 0 लिखा। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमें क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था कि हमें लिखना है कि जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स का यानी हमें डिग्री लिखना है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो पहले में हमारा क्या था, हाईएस्ट पावर हमारा 3 था, 3 सबसे हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू 2, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। सेकंड में हमारा क्या था, 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। तो थर्ड में हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। थर्ड में हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म्स है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो पावर क्या लिखा, 0 लिखा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0 होता है। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप में भी या आप लोग पर्सनल मैसेज पे भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, और आप लोगों को किसी भी कन्फ्यूजन हो तो अभी तक हमने जितने भी 4-5 वीडियोस हमने किया है तो अगर उसमें से किसी भी क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।